हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो स्वागत है आप लोगों का नेपाल के सीरीज़ के डे टू में। और आज हमारा दूसरा दिन है सुबह फ्रेश होके, और आए हैं अभी गुहेश्वरी माता मंदिर। तो चलिए आपको अंदर दर्शन कराते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये है गुहेश्वरी माता मंदिर का एंट्रेंस गेट। तो चलिए आपको भी अंदर लेके चलते हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में, तो बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। सो गाइस, गुहेश्वरी माता मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है, और यह शक्तिपीठ में से एक है, और यह काठमांडू और नेपाल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सो गाइस, गुहेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं, और बने रहिएगा व्लॉग में, मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, प्रसाद ले चुके हैं और अब जा रहे हैं पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने। सो गाइस, ये देखिए, ये है पशुपतिनाथ महादेव का एंट्रेंस गेट, और अभी इसी से हम लोग अंदर एंटर करेंगे। सो गाइस, पशुपतिनाथ टेम्पल भी बागमती नदी के तट पर स्थित है, और यह मंदिर 245 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 518 छोटे छोटे मंदिर और एक मेन पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर है। और गाइस, पशुपतिनाथ महादेव बाबा का मंदिर सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है, और फिर शाम में 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पशुपतिनाथ में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, और वो देखिए, वो पशुपतिनाथ बाबा का मंदिर है, और लाइन देखिए वहाँ से ही लगी हुई है, वहाँ से पूरी लाइन है। पूरा ये लाइन में ही खड़े होकर पूरा दर्शन करना होगा हम लोग को। और वो देखिए, वो पशुपति महादेव का मंदिर है। सो गाइस, बहुत धक्का मुक्की के बाद फाइनली दर्शन हो चुका है पशुपतिनाथ के, और अब चलेंगे कहीं लंच करेंगे, और आगे जहाँ भी जाते हैं आपको बताते हैं। सो गाइस, पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद, लंच करने के बाद हम लोग आए हैं बुद्धनाथ स्तूपा। तो चलिए आपको बुद्धनाथ स्तूपा दिखाते हैं। सो गाइस, हम लोग गाड़ी पार्क कर चुके हैं, और थोड़ा दूर पैदल चल के हम लोग को जाना पड़ेगा बौद्धनाथ स्तूपा। और ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ गलियाँ हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग बुद्धा स्तूपा आ चुके हैं, और ये हमारे पीछे बुद्धा स्तूपा है। तो चलिए आपको अभी बुद्धा स्तूपा घुमाते हैं, और इसके आसपास पूरा दुकान है चारों तरफ, और चलिए अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस गेट है। गाइस, आप अपना शूज उतारना है, और ये देखिए, ये है बुद्धा स्तूपा। सो गाइस, ये देखिए, ये है बुद्धा स्तूपा, और ये स्तूपा 118 फीट ऊंचा है, जो कि नेपाल का और पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूपा है।
सो गाइस 2015 के भूकंप के दौरान यह स्तूपा बहुत ही डैमेज हो चुका था, लेकिन उसके बाद यह स्तूपा फिर से रेनोवेट हुआ और अब एकदम नए जैसा है। सो गाइस बुद्धा स्तूपा के बाद हम लोग आ चुके हैं कोपान मोनेस्ट्री, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। सो गाइस कोपान मोनेस्ट्री 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी और इसमें बुद्धिज्म सिखाया जाता है, और कोपान मोनेस्ट्री रेगुलर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहती है और विजिटर्स इसी टाइम इसमें विजिट कर सकते हैं। और गाइस कोपान मोनेस्ट्री काठमांडू शहर से थोड़ा सा बाहर पहाड़ के ऊपर स्थित है, जहाँ से पूरे काठमांडू शहर का आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। से आने के बाद हम लोग अभी होटल रूम में हैं, और आज का डे टू नेपाल का यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।